आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ ए डायपोल निकालेंगे, ऑफ ए डायपोल। हम लोग पहले डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाले हैं, वो तो स्पेशल टाइप का केस हुआ। और अब हम लोग किसी पॉइंट पर, कहीं भी डायपोल का पॉइंट है उस पर निकालेंगे हम लोग डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया कि वो पॉइंट की है जिसका क्यू है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, और ये रहा डायपोल, तो डायपोल का डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की ओर यहाँ पी दिखाए हैं। सपोज कि क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर एंगल थीटा बनाता है ये डायपोल मोमेंट वेक्टर से, तो इस डायपोल मोमेंट वेक्टर को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक अलोंग आर और एक परपेंडिकुलर टू आर। देख लीजिए, एक अलोंग आर और एक परपेंडिकुलर टू आर। अलोंग आर हो जाएगा पी का cos थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है, और परपेंडिकुलर टू आर हो जाएगा पी साइन थीटा। तो अब मान लीजिए कि अलोंग आर अगर फील्ड है ई आर, तो आप तो उसमें पढ़े हैं कि अलोंग एक्सियल पॉइंट पर उसी डायरेक्शन में होता है, तो उसी डायरेक्शन में मैंने आर के ही डायरेक्शन में दिखाया है ई आर। और इक्वेटोरियल में आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ये डायपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये जो पी साइन थीटा डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, उसको ई थीटा दिया गया है। ई आर और ई थीटा दोनों है एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो आप जो है वेक्टर एडिशन के द्वारा करिए, इसको बना दीजिए पैरेललोग्राम और यहां से मिला दीजिए, तो ई आर और ई थीटा का जो है रिजल्टेंट ई हो जाएगा, जो आर के डायरेक्शन से सपोज एंगल अल्फा बनाए हुए है। तो अब आइए हम ई आर का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो 1/4 πε0, वहां था 2π r³, यहाँ चूंकि p cos थीटा है हमारा डायपोल मोमेंट, इसलिए 2π cos θ/r³ लिखेंगे। और e थीटा वो इक्वेटोरियल प्लेन टाइप का है, तो कहने का मतलब e थीटा 1/4 πε0 p sin थीटा डिवाइडेड बाय आर की। अब दोनों निकल गया और दोनों का वेक्टर सम निकालिए, यानी वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ई आर प्लस वेक्टर ई थीटा। ई आर एंड ई थीटा दोनों 90 डिग्री पर है, इसलिए मैग्नीट्यूड में ई होगा अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। ई आर का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ई थीटा का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और इसमें से आप जो कॉमन है बाहर निकाल लीजिए, ये रहा 1/4 πε0 p/r³, और अंदर में रह गया 2 cos θ² और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/4 πε0 p/r³, और ये हो गया 4 cos²θ प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 cos²θ को उसमें मिला दीजिए साइन स्क्वायर थीटा में, तो 1 हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट के अंदर में 3 cos²θ प्लस 1 लिखा गया है। और फाइनली E इक्वल टू 1/4 πε0 p/r³
अंडर रूट 3 cos² θ प्लस 1, ये आपको मैग्नीट्यूड हो गया रिजल्टेंट फील्ड का डायपोल के कारण। अब देखिए, ये डायरेक्शन भी जानना है, हमने तो मैग्नीट्यूड जान गया, अब डायरेक्शन भी जानना है। तो मान लीजिए अल्फा एंगल बोले हैं, वहां ER से R डायरेक्शन से बनाए हुए हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू E थीटा बाय ER। तो tan अल्फा का मान E थीटा बाय ER, आप लिखिए इक्वल टू जो E थीटा और ER का वैल्यू है, लिख के डिवाइड कर दीजिए, सब कट गया 1/2 tan θ आया, इसलिए अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 tan θ। मैं समझता हूं सिंपल है, खाली समझ जाइएगा तो कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर ये वीडियो पसंद हुआ आपको तो आप जो है इसको थोड़ा, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, उसके बाद शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ताकि मैंने ये वीडियो का उपयोगिता बढ़ जाए। थैंक यू।